नमस्कार, मैं शिवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। 26 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस दिन से 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की पूजा की जाएगी। सोमवार को मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नवरात्र के पहले दिन देवी के नाम से कलश की स्थापना की जाती है। 9 दिन तक भक्त दुर्गा जी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। जेपी गंगा पथ पर दीघा से पीएमसीएच तक 7.5 किलोमीटर की लंबाई में आवागमन शुरू होने के बाद अब अगला पड़ाव गाय घाट तक है। अगले साल अप्रैल में पीएमसीएच से गाय घाट तक गंगा पथ पर वाहन से फर्राटा भर सकते हैं। यह खंड चालू होने से दीघा से गाय घाट की दूरी तय करने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। भारतीय रेलवे ने नवरात्र में व्रत रखने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम किया है। नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं। इसलिए रेल मंत्रालय ने ट्रेन से यात्रा करने वाले भक्तों के लिए एक विशेष मेनू की घोषणा की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह विशेष ऑर्डर 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक परोसा जाएगा। इसे फूड ऑन ट्रैक ऐप से ऑर्डर किया जा सकता है या विजिट ecatering.irctc.co.in पर ऑर्डर करें। 1323 पर कॉल करके भी खाना मंगा सकते हैं। रोहतास जिले के टेहरी नगर थाना क्षेत्र के 4 लेन जीटी रोड पर सोमवार सुबह एक बड़े कंटेनर ट्रक से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। बड़ी बात यह है कि पुलिस को झांसा देने के लिए ट्रक में आगे से फर्नीचर लोड किया गया था और फिर उसकी पैकिंग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का अब सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके मद्देनजर कोर्ट ने भी अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का फैसला लिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाइयों के सीधा प्रसारण के लिए अपना प्लेटफॉर्म होगा। फिलहाल इसके लिए यूट्यूब का इस्तेमाल अस्थायी तौर पर किया जाएगा। सुशील मोदी ने सोमवार को जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह के सवालों का जवाब देते हुए कई बड़ी बातें कहीं। इसी दौरान उन्होंने ललन सिंह को 28 सितंबर का इंतजार करने को कहा, जिसका संदर्भ तेजस्वी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के सियासी संकट के बीच जोधपुर में अलग अलग जगहों पर सचिन पायलट के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। साथ ही सचिन पायलट की तस्वीर के साथ नए युग की तैयारी भी लिखा हुआ है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सीएम को कांग्रेस अध्यक्ष ने भाव नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिना नाम लिए कहा कि पता चला है कि सोनिया गांधी ने पलटू राम को धुतकार कर भगा दिया है। मेगन कर्नल और प्रिंसेस डायना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि मेघन मर्कल क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार पर प्रिंसेस डायना की तरह तैयार होकर पहुंची। मेघन मर्कल की वायरल तस्वीर साल 2019 की है, जिससे लोग अब भ्रामक दावे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। राजगढ़ के कन्वेंशन हॉल में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी अगर सरकार में आई तो सबसे पहले युवा आयोग का गठन करेगी, क्योंकि ये आज का भारत युवाओं का है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का समय बर्बाद और भ्रामक याचिका दायर करने के लिए एक याचिकाकर्ता पर सख्त कार्रवाई की है। कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सदगुरु जग्गी वासुदेव के प्रवेश को लेकर बवाल हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने एक्टिविस्ट द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को खारिज कर दिया है कि उन्होंने सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी के लिए प्रवेश करके वन्य जीव संरक्षण कानून तोड़ा था। सीएम सरमा ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि लोग रात के दौरान पार्क में नहीं जा सके। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के मामले 4,129 सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 20 लोगों की जान भी गई है। 24 घंटे में केरल में सबसे ज़्यादा 13 लोगों की मौत हुई है। केरल में 25 करोड़ रुपए की ओनम बम्पर लॉटरी जीतने वाला ऑटो चालक अनूप लॉटरी जीतने के बाद भी दुखी है। दरअसल लॉटरी जीतने के बाद दूर दूर से लोग मदद के लिए उसके पास आ रहे हैं। अनूप का कहना है कि उसे लॉटरी जीतने का पछतावा है। हाल ही में फेसबुक पर अपलोड किए गए वीडियो में अनूप ने कहा कि उसे अपना घर बदलना पड़ा, क्योंकि दूर दूर से लोग आर्थिक मदद के लिए उनके पास आ रहे हैं। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद अब यह भी खुलासा हुआ है कि पीएफआई को खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंड भेजा जाता है। पीएफआई ने दावा किया था कि उसने भारत से ही चंदा इकट्ठा करके 120 करोड़ रुपए जमा किए हैं। हालांकि असल मामला कुछ और ही है। वहीं पीएफआई एक खाड़ी देशों में एक अखबार भी निकालता है। इसके जरिए वह न केवल भारत विरोधी एजेंडा चलाता है, बल्कि पैसा जुटाने और काले धन को सफेद करने का भी काम करता है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत को लेकर पूर्वाग्रही खबरें देने पर द वाशिंगटन पोस्ट सहित कई प्रमुख अमेरिकी मीडिया घरानों को आड़े हाथों लिया है। जयशंकर ने भारतीय अमेरिकियों के साथ बातचीत में कहा कि मैं मीडिया में आने वाली खबरों को देखता हूँ। कुछ न्यूज़पेपर हैं जिनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होता है कि वे क्या लिखने वाले हैं, और ऐसा ही एक समाचार पत्र यहाँ भी है। गुलाम नबी आजाद ने आज अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जल्द वह नई पार्टी के नाम की घोषणा करेंगे। अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस की बहुचर्चित फिल्म राम सेतु का टीजर जारी हो गया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने फैंस से पूछा है, जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। टीजर वीडियो में अक्षय एकदम एक्शन अवतार में एक खास मिशन को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच की T20 सीरीज में भारत ने 2-1 से हराकर ICC रैंकिंग में अपनी बादशाहत को बरकरार रखा है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया अब 268 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर है। भारत ने दूसरे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड पर 7 रनों की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड को हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 4th T20 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने तलब किया था। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलिन फर्नांडिस को एक आरोपी के रूप में नामित करते हुए मामले में अपना दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया था। फिलहाल जैकलिन फर्नांडिस को अंतरिम जमानत मिल गई है। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्हों के आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करके अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद किया गया। अदालत ने समय बर्बाद करने और भ्रामक याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। हिमाचल प्रदेश में बीते रात रविवार को बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि सवारियों के भरी एक टेम्पो ट्रैवलर कुल्लू जिले में खाई में जा गिरी। इस घटना में करीब 7 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 10 लोगों के बुरी तरह से घायल होने की खबर है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी समेत पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केरल में पलक्कड़ जिले के शोरनूर से सोमवार को पदयात्रा भी शुरू की। इसका एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ बच्चे राहुल गांधी के पास फुटबॉल लेकर पहुंचे और उनसे खेलने का आग्रह करने लगे। गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल कुछ दिनों के बाद फूंक दिया जाएगा। इससे पहले प्रदेश में नेताओं का आना जाना जारी है। रविवार को आम आदमी पार्टी यानी आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल जहां गुजरात पहुंचे थे, वहीं सोमवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखने की पीएम मोदी की घोषणा का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि के तौर पर अब चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान रिलेशंस पर सवाल उठाए। वाशिंगटन में आयोजित इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के वाशिंगटन के साथ संबंध अमेरिका के हित में नहीं है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इसकी जानकारी बीते रविवार को राष्ट्रपति भवन के द्वारा एक बयान जारी कर दी गई। बयान के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 26 से 28 सितंबर तक कर्नाटक का दौरा करेंगी। सेंट्रल विस्टा के तहत बन रही संसद में कला और संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। नए संसद भवन की भीतरी दीवारों पर वेद पुराण के श्लोक बेहद खूबसूरत और कलात्मक शैली में खुदे मिलेंगे। आपको जगह जगह बड़े बड़े इंस्टॉलेशन कलाकृतियां और देश के अलग अलग हिस्सों की लोक और पारंपरिक कलाओं की झांकी मिलेगी। केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप और कोविन वेबसाइट को नए उद्देश्यों के साथ लॉन्च करने का मन बना लिया है। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म कोरोना वायरस के दौरान लॉन्च किए गए थे। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को कोरोना वायरस को मॉनिटर करने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब इन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के सीधे प्रसारण के लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। यूट्यूब के माध्यम से हो रहा सीधा प्रसारण अस्थायी व्यवस्था है। याचिका में कहा गया है कि शीर्ष कोर्ट की कार्यवाही के प्रसारण के लिए यूट्यूब जैसे निजी चैनल के समक्ष सरेंडर नहीं किया जा सकता है। वकील विराग गुप्ता ने पीठ से कहा कि यूट्यूब के पास इस प्रसारण की कॉपीराइट है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है के सिन्हा, जितेंद्र ठाकुर, भान प्रकाश मौर्य, दीपक कुमार, लाल मोहम्मद, रविशंकर, नुन्नू कुमार और प्रिंस पूर्वे। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारतीय रेलवे द्वारा नवरात्रि के दौरान यात्रियों को दी जा रही सुविधा से आप संतुष्ट हैं या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।